कल मुंबई में बांद्रा में उन्होंने अपने घर में सुसाइड कर लिया था और आज सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे के करीब मुंबई में किया जाएगा। पटना से उनका परिवार रवाना हो चुका है और थोड़ी देर बाद मुंबई पहुंचने वाला है। परिवार के मुंबई आने के बाद पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उनकी बहन और बहनोई मुंबई में ही मौजूद हैं और पुलिस ने सुशांत के 6 करीबियों के बयान भी दर्ज किए हैं। अब तक पटना से रवाना होने से पहले उनके चचेरे भाई ने जरूरत होने पर जांच की बात भी कही है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि सुशांत सुसाइड कर सकते हैं। सोच भी नहीं सकते थे जिस तरह घटना घट गया है, लाइफ में कभी ऐसा नहीं, इतना हौसला देने वाला लड़का, ऐसा काम हो सकता है हम लोग कभी सोचे नहीं थे। जो राज्य और देश का नाम रोशन कर रहा था, पूरे परिवार का नाम रोशन कर रहा था, हम लोग पूरा खुश थे कि कितना आगे बढ़ेगा और ऐसा दिन कभी देखने को मिलेगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब वो तो अगर वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है, अगर जाँच की जरूरत पड़ेगी तो जाँच भी करवाया जाएगा। हाँ वही होगा, दाह संस्कार वही होगा। तो देखिए, ये बात कही जा रही है क्योंकि यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया और अगर जरूरत पड़ी तो जांच भी कराई जाएगी। सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई में आज अंतिम संस्कार होगा और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर मुंबई के कपूर अस्पताल में रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस लगातार जांच कर रही है, कई पहलू निकलकर भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस वक्त मैं कूपर अस्पताल में मौजूद हूं जहां पर अभिनेता सुशांत सिंह का जो शव है उसको फिलहाल यहां पर रखा गया है। आज सुबह ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है और दम घुटने से उनकी मौत हुई है। जो फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या की थी वही वजह फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई है। ऐसे में पुलिस किसी भी फाउल प्ले से फिलहाल इनकार कर रही है, लेकिन अब जो है पुलिस की जांच कई पहलुओं पर आगे बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से ये खबरें आई थी कि सुशांत सिंह डिप्रेशन में चल रहे हैं, उस बाबत भी पुलिस डॉक्टर से पूछताछ करने वाली है। इसके अलावा करीब 6 लोग ऐसे हैं जिनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जो 3 लोग हैं वो उनके घर काम करने वाले, इसके अलावा दोस्त और उनकी बहन से भी पूछताछ की गई है। साथ ही साथ अंतिम कॉल जिस मित्र को किया गया था उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, उसका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो उनका परिवार है वो 2 बजे के बाद मुंबई पहुंचेगा और मुंबई में जो सुशांत सिंह की बॉडी है वो उनको सुपुर्द की जाएगी, उनको दी जाएगी और उसके बाद फिर लगभग 4 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है अंतिम संस्कार के लिए। हो सकता है कि पुलिस उनके परिवार वालों से भी पूछताछ करे, क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि उनके परिवार का आरोप है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई फाउल प्ले है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब ये साफ होगा कि आखिर सुशांत सिंह को आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा। कैमरामैन मिंटू के साथ संकेत पाठक, न्यूज 24 मुंबई।